दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम और एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2003-07-10 में आया हुआ है और एकदम इजी क्वेश्चन है। बस हमें प्रतिस्थापन विधि से ही यूज़ करना है, हमें इसे लेट करना है, कुछ फंक्शन को लेट करके हमें फंक्शन कन्वर्ट करना है किसी अदर वेरिएबल में और उस अदर वेरिएबल की से इजी में इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एकदम इजी वे में। लेट करते हैं, लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स, इसे हम मानते हैं टी मान लिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करा हमने। ई की पावर एक्स का हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स का जो डी अपॉन डी एक्स होता है वो ई की पावर एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, इसमें कोई रिवर्स नहीं होता है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर जो होता है वो ई की पावर होता है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ये इतना याद रखो, एकदम ईजी है। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें ई की पावर एक्स, बट माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस के बन आएगा ना। जब इसका एक्स का करेंगे बाद में, जैसे कि ए की पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन क्या हो गया ए की पावर माइनस एक्स। अब इसकी पावर का भी तो करेंगे, माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के बन। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ए की पावर माइनस के एक्स का डी अपॉन में डी एक्स जो होता है ए की पावर एक्स होता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। ठीक है, बट इसकी पावर जो माइनस के एक्स है तो इसके एक बार पावर का भी तो करेंगे। डी अपॉन डी एक्स हमने पावर का करा माइनस के एक्स है, ये हमारा क्या हो गया, वन माइनस के। ठीक है ना, तो माइनस के वन की जगह से हमारा ये क्या आ गया, माइनस के वन आ गया। ठीक है ना, वीडियो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक तो एटलीस्ट बनता ही है, वीडियो को लाइक तो कीजिएगा। ये बन गया, ठीक है ना, और ये हमारा टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स, ये इधर गुणा कर दिए तो डी एक्स बटे डी टी। अब हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन ये लेट करने हैं। ये पहले ही हम जब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, आता हो या ना आता हो, बट उसे पहले इक्वेशन वन मान लो। इक्वेशन वन मान लिया हमने क्या माना था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हमने क्या माना था, टी माना था। ठीक है ना, इसको टी माना था, अपॉन में टी मान लिया। ठीक है ना, और इतनी पावर की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के डी एक्स बाहर को हम ले सकते हैं डी टी। तो हमने क्या लिख दिया, डी टी। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स होता है। ठीक है ना, इतना तो हम जानते हैं, ये सूत्र है। तो हम लॉग टी लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस सी लगा दिए। ठीक है ना, इसे इधर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अब टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू क्या हमारी, ई की पावर एक्स प्लस